यह बिटको कंपनी का V17 मिल्क एनालाइजर इनबिल्ट बैटरी के साथ। इसको हम किस प्रकार ऑपरेट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम V17 मिल्क एनालाइजर के फीचर्स के बारे में बताते हैं। इस मशीन के साथ आपको कीबोर्ड एडाप्टर, यह आपके मशीन में वोल्टेज मीटर लगा हुआ है जो बैटरी की परसेंटेज को शो करेगा, और यह आपकी मिल्क एनालाइजर डिस्प्ले, यह आपकी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, और यहाँ पर आपका ये प्लंजर मारने का ऑप्शन दे रखा मशीन में, जिससे आप प्लंजर मार के मशीन की सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, और इस तरीके से इसको बंद करेंगे। ये आपका प्रिंटर का ऑप्शन है। अब इसके हम और फीचर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपका ये स्टेयर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है सबसे ऊपर, इससे आपकी स्टेयर की आप आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे आपका ये टाइमर दे रखा है, जिससे आप वाइब्रेटर की टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके नीचे आपका DC ऑन ऑफ बटन है, फ्यूज कैरियर, और ये आपका नीचे मशीन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट। इस एडाप्टर से इस प्रकार चार्ज करेंगे। ये आपकी विंगिस के लिए केबल लाएंगे हम सबसे ऊपर, विंगिस के लिखा हुआ है, और नीचे आपके कीबोर्ड के पोर्ट दे रखे हैं दो, और ये पेन ड्राइव के पोर्ट दे रखे हैं। अब मशीन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हम मिल्क लेंगे, मिल्क को वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट में लगा के ये कीपैड में आपका D वाला बटन दे रखा है, इस D वाले बटन दबाएंगे, मिल्क वाइब्रेट हो चुका है। उसके बाद हम इसे मिल्क एनालाइजर में लाएंगे, कीपैड में ओके वाला बटन दबाएंगे, मशीन वर्किंग करना चालू कर देगी। ये देखिए मिल्क एनालाइजर की डिस्प्ले में आपकी फैट, SNF और CLR और बाटर चारों चीज़ की परसेंटेज आ चुकी है, और ये डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका ये आपका वजन, फैट, SNF, रेट और टोटल अमाउंट। इस तरीके के ये कांटा टोयो का, इसमें देखिए 10 किलो 900 ग्राम वजन आ रहा है, और ये आपका बड़ी वाली डिस्प्ले में भी 10 किलो 900 ग्राम वजन आ रहा है। सबसे पहले हम कीबोर्ड में कोड नंबर 1 दबाएँगे, जी हमने कोड नंबर 1 दबा दिया है। उसके बाद हम एंटर करेंगे, ये आपका अमाउंट आ चुका है, देखिए 68 रुपये 48 पैसे, टोटल अमाउंट है आपका 746 रुपये 43 पैसे। ओके का बटन दबाएंगे, पर्ची आपकी बाहर निकल जाएगी। देखिए पर्ची में आपका सबसे पहले आपका कंपनी का नाम, डेट और टाइम, कोड नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और मिक्स मिल्क टाइप, क्वांटिटी, फैट, SNF, रेट और अमाउंट, इस तरीके की आएगी आपके। इस मशीन को आप कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। कीबोर्ड में आपका इसमें F1 बटन बैक करने के लिए, छोटी वाली मिल्क डिस्प्ले के लिए, F2 से अप और F3 से डाउन हो सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे ऑप्शन को कर सकते हैं, F4 से ओके करेंगे। देखिए मशीन ने सैंपल ले लिया दोबारा, और इस मशीन को आप कीबोर्ड और कीपैड मशीन के दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं, और एक बार मशीन को फुल चार्ज होने के बाद मशीन से 700 सैंपल निकाल सकते हैं।